आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। इसके तहत उसने भारतीयों को बड़ा तोहफा दिया, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीजा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। पहले तो हमने सुना कि श्रीलंका ने, थाईलैंड ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने वीजा फ्री एंट्री दे दी है, लेकिन अब ईरान ने, बहुत बड़ी न्यूज है कि ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए। नो वीजा रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। पाकिस्तान को स्टिल वीजा की जरूरत है और रिस्ट्रिक्शंस भी हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनको वीजा जल्दी नहीं दिए जाएंगे। वो आपको उसको मैं दो चार चीजों में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। या तो एक इंडिया की इकॉनमी है जो दुनिया के लिए अलार्मिंग है, इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए 7.8% को जा रहे हैं, लेकिन उसके लेकिन इंडियन जो है वो भी या टफ नॉट एट द सेम टाइम और दे आर पावरफुल। देखें, चीजें पावरफुल, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको इन हाउस कॉन्फिडेंस का आपको आप लोगों का सपोर्ट हासिल हो और इकॉनमी आपके हाथ में हो, तो फिर आप बातें सारी आ जाती हैं, फिर नजाकत आ जाती है। ठीक है जी, अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीजा फ्री, तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने साढ़े मुकद्दर चेक करो, अफगानी फ्री फिर दे रहे। ईरान ने वेव ऑफ कर दी है जी वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन। बिल्कुल आपने सही सुना जी, ईरान का वीजा लेने के लिए तमाम इंडियंस को अब किसी भी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, और ये उन्होंने इंडिया समेत 33 कंट्रीज के लिए किया। उससे पहले 27 कंट्री ने वीजा फ्री एंट्री दी है, और इससे पहले अगर हम बात करें अभी कीनिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब ने जो है वीजा फ्री एंट्री करवाई। पाकिस्तान की बात करें, हर पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बाहर जाना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे लिए वीजा रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा टफ हो गई है। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अगर मुल्क से बाहर जा रहे हो तो उन्हें बहुत लंबे और स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से गुजरना। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ईरान ने कल रात को भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री के लिए अलाउ कर दिया भारत को और भारत समेत 33 देशों को। दोस्तों, इस खबर को सुन के भारत के लोग तो खुशी हैं, लेकिन पाकिस्तान में सफा मातम का माहौल है, क्योंकि दोस्तों ईरान जो है वो पाकिस्तान से काफी लंबा बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ईरान सरकार पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं देती, या देती भी है तो 120-130 दिन के बाद वीजा देती है अपने देश का। वहीं भारतीयों के लिए तुरंत पहुंचते ही वीजा फ्री एंट्री, बस आपको भारत का पासपोर्ट दिखाना है। देख लो दोस्तों, अभी इसी साल 8 से 9 नए देश जुड़े हैं जिन्होंने भारत को वीजा फ्री एंट्री अलाउ कर दिया है, उसमें से केनिया अभी हाल फिलहाल में, इसके बाद फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और दोस्तों मैं कुछ नाम शायद भूल रहा हूं, तो आप लोग देख लो। और सऊदी अरेबिया ने कह दिया भारतीयों को 48 घंटे में वीजा। भाई कितना चाहिए? लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते या भारत के रिश्ते इस्लामिक वर्ल्ड से खराब है। पाकिस्तान को छोड़ के कोई एक सिंगल इस्लामिक देश बताओ जिससे भारत के रिश्ते मोदी जी की हुकूमत में खराब हुए हो। पाकिस्तान से भी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसलिए रिश्ते खराब है। बस आपकी जो एक्सेस है वो बड़ी मैटर करती है। ईरान ने 33 ममालिक के लिए जो वीजा रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप कर दी है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है जी, अगर आपने इंडिया को ये स्टेटस दिया वीज़ा फ्री, तो पाकिस्तान को तो ऑटोमेटिकली ये मिलना चाहिए। अब देखे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने साढ़े मुकद्दर चेक करो, तो अफगानी फ्री फिर दे रहे हैं। ठीक है, वो इधर फ्री घूम रहे हैं, यासियाँ मौजें चल रही हैं उनकी। ठीक है, वो पाकिस्तान के कुछ समझते नहीं है बॉर्डर को, वो बॉर्डर को कुछ समझते ही नहीं होगा। ये कि फजूल बॉर्डर है, जब मर्जी चले जाओ, जाओ जाके सिक्योरिटी लॉ एनफोर्समेंट को पैसे दे होते, पुलिस वाले को, लेवी शेवीज को, और पाकिस्तान में घुस जाओ। और हम चाइना बॉर्डर, हमें चाइना के वीज़े की टेंशन रहती है। मैंने देखा है पाकिस्तानी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं चाइनीज एम्बेसी के बाहर। इंडिया तो वीज़े नहीं ना लभदा, पावे जो मर्जी हो जाए, इंडियन जो हैं वो उन्होंने फैसला कर लिया हुआ है और गिन के वीज़े दे दें, गिन के 1, 2, 3, 5, 10, 15, 18 ऐस साल ही नहीं, 18 ही देने, इससे ज़्यादा ही जाते हैं। लेकिन द पॉइंट इज के बस रिलीजियस टूरिज्म, थोड़ा बड़ा मेडिकल एंड ऑल दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड देन ईरान ने भी बंद किया है, चीन ने भी बंद किया है, हमें तो ये चीज़ें खोल देनी चाहिए यार। अगर इफ़ द इरानियंस कैन ओपन अप एवरीथिंग विद अरब वर्ल्ड, वाई नॉट विद पाकिस्तान? ठीक है, ईरान को तो ये पता है कि उनको इंडियन आएंगे तो कारोबार करेंगे, पैसा लगाएंगे, क्योंकि ईरान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ईरान में बहुत सारे मसले हैं उस हवाले से। लेकिन ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, सफाई सुथराई, हर पाकिस्तानी जो हमारी फैमिली में से बहुत से लोगों ने कज़न्स नहीं या किसी दोस्तों ने ट्रैवल किया, दे ऑलवेज प्रेज ईरान।
वो उसको, हमें तो पहले सबसे जाना, पहले जाना ही बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज में जाना चाहिए। हम पहले अमेरिका और कनाडा जाते हैं, बाद में नेबर में बाद लब लें। अभी जब हमारे उन मुल्कों के पासपोर्ट यूरोप अमेरिका के पासपोर्ट होते हैं, बाद में हम इंडिया पाकिस्तान आते हैं। मैडम, खारजा पॉलिसी जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है, क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है, कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। वो तो हमसे, हमें ना तो वो सस्ती गैस देना चाहता है, हमारे साथ कोई मुआहिदा करना ही नहीं चाहता ईरान। ईरान तो करना चाहता है, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे साथ वो मुआहिदे नहीं चाहते, इसलिए कि हमने उनको फ्री हैंड नहीं दिया, हमने उनको अपना नहीं समझा। अगर उनको अपना समझें तो वो सब तावन करने के लिए तैयार हैं। क्या इख्तलाफात हैं? एक तो मजहबी इख्तलाफात हैं, खुद सख्ता और सुपरमेसी, जो मेन जो है वो अमेरिकन लॉबी है, ठीक है, इसमें इसराइल आ जाता है और अमेरिका आ जाता है, वो दोनों एक साइड पे हैं, ठीक है। और जो इस्लामिक ब्लॉक है वो ये इसी वजह से इनके एंटी जाना चाहते हैं ना, तो ये हम तो आपको बताया कि जो सांस भी लेते हैं या छींक भी मारते हैं अमेरिका को देख के मारती है। ईरान की तरफ से वेव ऑफ होगी है वीज़ा रिक्वायरमेंट 33 कंट्रीज़ के लिए, उसमें हमारा पड़ोसी इंडिया भी शामिल है, लेकिन जब हम लिस्ट देख रहे थे उस लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है, क्यों? तो जिस तरह अभी ईरान ने जो किया है वो बकाया मुल्कों के लिए कर दिया, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, किसी मुल्क में भी। तो इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हमें नहीं सपोर्ट कर रहे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा ज़रूरत है भाई, हमारा मुल्क इस वक्त जो है काफ़ी टफ हालातों से गुजर रहा है, हमारे पास बहुत ज़्यादा नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान हैं। जी जी नहीं, जी जी सब पढ़े, और पेट्रोल का भी आपके सामने है कि एक बंदा किस तरह पेट्रोल डलवाए और किस तरह अपनी बाइक ले, बहुत मुश्किल हालात हैं। तो यही बस गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि वो हमारे लिए कुछ इस तरह का इंतज़ाम करें कि हमें कोई फ्री वीज़े वगैरह दिए जाएँ ताकि हम आसानी से बाहर जा सकें। बहुत अच्छी आपने बात की, अपील भी आपने बड़ी अच्छी की कि वीज़ा चले हमें फ्री का दे, टिकट तो हर बंदा अरेंज कर लेता है। चलो टिकट बंदा कर लेता है। अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात करें, दुबई की बात करें, तो वो भी देख लें, उन्होंने इंडिया के लिए ऑन स्पॉट मतलब एयरपोर्ट पर जाके जो है आपको टिकट के ऊपर जो है ना वीज़ा लगा देते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त रिक्वायरमेंट है कि आपके बैंक में इतने दिरहम होने चाहिए, आपने इतने साल टैक्स पे करना चाहिए, आपकी ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमें एंटर होने नहीं दे रही। जी जी बिल्कुल यही बात है, मैं मसलों में उलझाया हुआ है। मैं खुद अभी सऊदी अरब से भी वापस आया हूँ, अच्छा, तो वहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि पाकिस्तानियों की उस तरह की कोई इज्जत नहीं है, अच्छा। क्योंकि इंडिया के जो भी बंदे आप देखें अच्छी फील्ड पे लगे हुए हैं, पाकिस्तानी कोई ड्राइवर है, कोई छोटे छोटे कामों पे लगे हुए हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह गया था बाहर, कोई इस तरह का मुझे माहौल नहीं वापस हुआ, तो मैं 2 महीनों में वापस आ गया। तो जाने के लिए भी मैंने 2 महीने का प्रोसेस लगाया है, उसमें कभी बोलते हैं कि प्रोटेक्टर करवाना है, उसकी डेट हो जाती है, फिंगर के लिए अलग डेट हो जाती है। तो इस वजह से बस यही अपील हो सकती है कि हम गरीब भी हैं तो हमें ये वाली लाजमी सहूलत दी जाए कि हमें फ्री भी। चले आपसे कुछ सऊदी अरब के हालात पूछते हैं, आप अभी अभी आए हैं, आपने कहा मैंने वहाँ पर बहुत से इंडियंस भी देखे हैं, नो डाउट सऊदी अरब में बहुत से हैं, बहुत ज्यादा है। उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं अरबी और पाकिस्तानियों को कैसे ट्रीट करते हैं? और खासकर जिस टाइम इधर से हम गए एयरपोर्ट पे, तो खासकर हम 2 पाकिस्तानी, मेरा भाई भी साथ था, तो और किसी को वहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए, तो हमें खास कर पिलाए गए जिस तरह हमें कोई अलहदा मुल्क से हम आए या कहीं जंगल से तो निकल पोलियो के कतरे तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाए। तो दोस्तों अब दुनिया में एक ट्रेंड चल चुका है भारतीयों के लिए वीजा फ्री, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने ईमानदारी से बताना है कि जहाँ भारतीय गए हैं उस देश की सिचुएशन क्या है। यूएसए में गए, देख लो यूएसए आज दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। यूके वगैरह में गए, यूके में खैर उतने ज्यादा भारतीय नहीं है लेकिन गए हैं यूके की। गल्फ में भारतीय गए, अरेबियन नेशन में आप लोग देख ही सकते हो वो कितना करो। ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हो। दोस्तों ये भारतीयों की पहचान है, वो जहां जाते हैं शांति से अपना काम करते हैं, टैलेंट के बेस पे जाते हैं और टैलेंट ही अपना दिखाते हैं और इसके बाद उस देश का विकास करते हैं। ये दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है, पहचान रही है कि यूएसए क्यों ग्रो हुआ, अरब नेशन क्यों ग्रो हुए, यूरोप क्यों ग्रो हुआ, ऑस्ट्रेलिया क्यों ग्रो हुआ, क्योंकि भारत के लोग वहां पे जाके आराम से पीसफुली अपना टैलेंट बस दिखाते हैं। ये नहीं कि आता जाता कुछ नहीं, रोड पे प्रदर्शन हुआ, अल्लाह मचाओ रोड पे, आता जाता कुछ नहीं है बस। आप लोग समझ रहे हो ना मेरा रेफरेंस किस लोगों से है, जिनको कुछ आता जाता है नहीं, बस जाके अरे भाई यहाँ तो जुलम हो रहा है, चलो रोड पे प्रदर्शन करना शुरू। फ्रांस के क्या हालात है,
यूरोप ने किसको बैन किया, आप लोगों को पता है ना, सारी चीजें समझ रहे हो आप लोग। तो ये भारतीयों के लिए जो अब वीजा फ्री एंट्री का ट्रेंड चला है, इसमें नो डाउट हमारे भारत के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यार वो मेहनती इतने होते हैं। लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूले तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को ये बताया है कि भारतीय जिस देश में जाते हैं उस देश को पे करते हैं, उस देश को देते हैं, उस देश में योगदान देते हैं, बाहर बन के नहीं आते कभी भारतीय। दुनिया को उन्होंने ये बताया। इससे पहले भारतीय जाके काम भी करते थे विदेशों में, यूरोप में भारतीयों को बोझ भी समझा जाता था और वीजा फ्री नहीं होता। अब देखना आप लोग दोस्तों, आने वाले 5 से 10 साल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं ना, तो आप लोग देखना कहां कहां वीजा फ्री होगा भारत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।